नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धुरिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नए चक्रवाती तूफान आसनी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि इस साल का पहला चक्रवात 21 मार्च के आसपास बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है। अगर ये चक्रवात तूफान में बदलता है तो इसे आसनी कहा जाएगा। इसका ये नाम श्रीलंका की तरफ से सुझाया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि ये बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी म्यांमार की तरफ बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मंगलवार को बने निम्न दबाव का क्षेत्र और पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने और शनिवार तक पूरी तरह से एलपीए यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान था। मौसम विभाग ने कहा कि इसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और 23 मार्च को सुबह तक बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी म्यांमार तट के पास पहुंच जाएगा। शुक्रवार को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर स्थिति खराब होने की आशंका है। विभाग ने मछुआरों को अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नहीं जाने की सलाह दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रविवार को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग के अलर्ट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात के मद्देनजर अंडमान और निकोबार के केंद्रीय मंत्रालयों एजेंसियों और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र 21 मार्च तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस तूफान से निपटने की तैयारियों की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। अतिरिक्त टीमें भी तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन लोगों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आपातकालीन आपूर्ति और उपायों के पर्याप्त स्टॉक के साथ तैयार है। मछुआरों को मछली नहीं पकड़ने जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पर्यटकों को बोटिंग न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मछुआरों से कहा गया कि वो जल्द से जल्द समुद्र से वापस लौटें। इसके साथ ही स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को स्टैंडबाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद ली जा सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो अगले दिन 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।